ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूजीलैंड भारत और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर रंजीत साव हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में काफी उबाल देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने मुफस्सिल थाना का घेराव कर दिया है, जहां उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। तो बड़ी अहम खबर, रंजीत साव हत्याकांड को लेकर अब ग्रामीण भी मोर्चा खोल चुके हैं और उन्होंने बाकायदा थाने का घेराव किया और काफी गुस्से में है। और उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और यहां पर थाने का घेराव कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से लगातार उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक उनको लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ये ग्रामीण यहां से हटेंगे नहीं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा गांव है, पूरे गांव के लोग हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं और जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग वो करने रहे हैं। और अरविंद, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। अरविंद, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कहना है प्रशासन का, क्या लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं ग्रामीण प्रशासन से? ग्रामीण डीएनआर रंजीत साव हत्याकांड के बाद से ही मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों में उबाल है। लगातार आंदोलन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा चुका था। एसपी के से प्रतिनिधिमंडल मिलकर जो मुख्य आरोपी है जावेद, उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। और आज जब लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो आक्रोशित ग्रामीण मुफस्सिल थाना का ना सिर्फ घेराव किए बल्कि धरना पर बैठ गए, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी शामिल है। हालांकि एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह आश्वस्त कर रहे हैं कि शीघ्र ही जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो गिरफ्त में होगा। उसकी तलाश के लिए टीम बनाई गई है, पुलिस लगातार पूरे ठिकानों को खंगाल रही है। तो ये आश्वासन दे रहा है, लेकिन पब्लिक अब आश्वासन से मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और हर हाल में जो हत्यारा जावेद उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से ग्रामीणों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और घेराव भी किया गया थाने का। हालांकि कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि आप थोड़ा सा वक्त दें, हमें थोड़ा सा धैर्य रखें, पुलिस लगातार काम कर रही है और जल्द ही जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होगा।